जय श्री मंगल साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवधारकर और आप देख रहे हो यंग इंडिया ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं मोती मंगरी की, जो स्थित है फतेह सागर लेक के जस्ट पास में। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आशा करता हूँ आज ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और मोती मंगरी जो महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक म्यूजियम है उसका आप पूरा आनंद लेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हम फिलहाल महाराणा प्रताप का जो मेमोरियल है मोती मंगरी वहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और हमने ये टिकट भी ले लिए हैं। ये टिकट, इसमें एक बाइक का टिकट है 50 रुपये और दो टिकट दो पर्सन के, पर पर्सन 100 रुपये लगता है, बाइक का 50 रुपये। तो कुल मिलाकर हमने 250 रुपये पे करे हैं दो पर्सन और एक बाइक का। तो आप चलते हैं मोती मंगरी और आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे और जो महाराणा प्रताप का जो स्वर्णिम इतिहास है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम मोती मंगरी के पहले व्यू पॉइंट वीर भवन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमको महाराणा प्रताप, झालामान, बिल्लू राणा और हकीम खासूर सभी के स्टेचू बने हुए दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं वीर भवन के अंदर और देखते हैं वीर भवन के अंदर के खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत प्रदर्शनियाँ। यहाँ पर पहले कमरे में हमको कुंभलगढ़ का नक्शा दिखाई देता है, जो इस प्रकार से बनाया गया है कि मानो सजीव चित्रण हो और हमको ऐसा लगता है कि हम मानो कुंभलगढ़ में ही आ गए हैं। अभी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खूबसूरती से अंकित किया गया है। वीर भवन के दूसरे कक्ष को आर्ट गैलरी के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के चित्र बने हुए हैं जो मेवाड़ के महाराणा और उन महाराणाओं से संबंधित घटनाओं के बने हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, जयमल पत्ता, राणा कुंभा, राणा उदयसी, सभी राणाओं के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं और दासी पन्नाधाय, पद्मिनी और सभी रानियों के चित्र भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इस कक्ष में आपको हथियार दिखाई देंगे और इन हथियारों के नाम के पास में आपको इन हथियारों का वजन भी लिखा हुआ है। यह बताने के लिए लिखा गया है कि लोग इससे महसूस कर सकें कि जो योद्धा उस समय युद्ध लड़ा करते थे वो अपने साथ कितना वजन उठा के युद्ध करते थे। लोगों को इस अनुभव को दिलाने के लिए सरकार ने यहाँ पर शस्त्रों का वजन भी लिख रखा है। इसी कमरे में हमको हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी दिखाई देती है, जो यहाँ पर दर्शन हेतु रखी हुई है। देख रहे हो ना, पूरा ये म्यूजियम बना रखा है। ये पीछे कवच था, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी ये पूरे शस्त्र पूर्व का वेट लिख रखा है, जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ लोगों को बताने के लिए ये पूरा सिस्टम बना रखा है, जिससे लोगों को पता चले कितना वेट वो कैरी करते थे। तो बहुत अच्छा म्यूजियम बना रखा है। चलिए आगे। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे सिटी पैलेस का मानचित्र, जिसमें खूबसूरती से लकड़ी के सहारे ये पूरा सिटी पैलेस बनाया गया है। ऐसा लगता है कि मानो सच का सिटी पैलेस यहाँ पर खड़ा हुआ है।
और यहाँ पर कुछ बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें सभी घटनाएं बताई गई हैं जो मेवाड़ से संबंधित थी, जैसे कि महाराणा प्रताप का आरंभिक जीवन क्या था, कैसे गुजरा, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ ही पास में हल्दी घाटी के रण क्षेत्र का भी बहुत ही खूबसूरती से अंकित किया गया है, अंकन किया गया है। और उसके पास में आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखाई देगा, जहाँ पर विजय स्तंभ, मीरा मंदिर, कीर्ति स्तंभ और सभी दरवाजे इस प्रकार से बनाए गए हैं मानो सच का चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पर मौजूद हो। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अंदर, तो अभी आपने देखा विजय चित्तौड़गढ़ किले का पूरा नक्शा बना रखा है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं जो राजस्थान के मेवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है। चलिए दोस्तों चलते हैं मोती मंगरी के दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ पर बना हुआ है महाराणा प्रताप का खूबसूरत स्टेचू। और इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि स्टेचू का साइज और महाराणा प्रताप का साइज लगभग बराबर है। चलिए दोस्तों चलते हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति की तरफ। और अभी जो आप देख पा रहे हैं उस साइड भी आपको कुछ मूर्तियां दिखाई देगी जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं मुख्य मूर्ति की तरफ, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह हूबहू महाराणा प्रताप के आकार की बनी हुई है। आज काफ़ी गर्मी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत दर्शक आते हैं। और इसका टिकट भले ही 100 रुपये है, लेकिन यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। चलिए अब चलते हैं अगले व्यू पॉइंट की तरफ और देखते हैं आगे हमको कौन सा व्यू पॉइंट देखने को मिलता है और कौन सी लोकेशन जो मेवाड़ से संबंधित है हमको देखने को मिलेगी। दोस्तों चलिए चलते हैं मोती महल के कुछ खंडहरों का दीदार करने, जिनके बारे में बताया गया है कि ये काफ़ी पुराने हैं और महाराणा उदय सिंह से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं मोती महल के खंडहरों के अंदर। और यहाँ के पर बाहर प्रांगण में हमको एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह सरगस बाबूजी की मूर्ति है और काफ़ी पुरानी है। दोस्तों अभी जो आपको ये मॉन्यूमेंट दिख रहा है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में यह बताया जाता है कि जब उदय सिंह जी 1569 में जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था, तो वो चित्तौड़ से उदयपुर आ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस भवन का निर्माण करवाया था। इसके बाद इस भवन का पूर्ण निर्माण उस समय शायद नहीं हुआ था, इसका आधा अधूरा निर्माण हुआ था। और इसके बाद उदय सिंह जी पुनः जो सिटी पैलेस है, अभी जो सिटी पैलेस सिटी में मौजूद है,
वहाँ पर वो चले गए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे होंगे, आपको पूरा दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर उदय सिंह जी ने ही बनाया था। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन अभी पूरी जर्जर हो चुकी है। और ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, 1568-1570 का लगभग का बना हुआ स्ट्रक्चर, आज भी पूरा जर्जर हो चुका है। अब यह लाइटिंग शो के लिए केबलें और लाइट वगैरह बल्ब लगा रखे हैं। बाकी यह स्ट्रक्चर काफ़ी दयनीय हालात में है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू दिख रहा है, पूरा फतेह सागर दिख रहा है, उसे रानी रोड, निमज माता मंदिर, सज्जनगढ़ पैलेस और फतेह सागर में चलती हुई नावें। काफ़ी रोमांचक जगह है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और आपको सामने यहाँ पर फतेह सागर का जो ओवरफ्लो पानी हो रहा है, वो भी आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफी रोमांचक नज़ारा, मजा आ गई ये नज़ारा देख। काफी अच्छी जगह दोस्तों, अब भी आइएगा। टिकट भले ही हाई है थोड़ा, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब यहाँ पर नेचर के अकॉर्डिंग से ठंडा बना रखा है, कि गर्मी में भी यहाँ पर वातावरण अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा माहौल रहता है। बाकी हल्की फुल्की गर्मी तो लगती है, लेकिन काफ़ी जंगल जैसा बना रखा है। तो अब चलते हैं अपन अगले लोकेशन की तरफ, अगले व्यू पॉइंट की तरफ। ये भामाशाह का स्टेचू बना हुआ है। भामाशाह वही दानवीर थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को खजाना दिया था। ऐसा बताया जाता है कि वो खजाना मेवाड़ का ही था, लेकिन भामाशाह चूंकि वित्त मंत्री थे मेवाड़ शासन में, मेवाड़ राज्य में, तो उन्होंने वो खजाना छुपा रखा था दुश्मनों से। और जब महाराणा प्रताप को उसकी ज़रूरत पड़ी थी, तब उन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध में वो पूरा खजाना पहुँचाया था। तो तब से भामाशाह को दानवीर के रूप में देखा जाता है और इतिहास के बहुत बड़े दानदाताओं में इनका नाम लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, अभी हम आ चुके हैं महाबली धानी झालामान की स्मृति की तरफ, जहाँ उनका खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। झालामान के बारे में मैं आपको बता दूं, झालामान वही महान बलिदानी थे जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सकुशल युद्ध से बाहर निकाला था, क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय चोटिल हो चुके थे और काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हो चुके थे।
इसलिए झालामान ने माणा प्रताप को सब कुछ बाहर निकाला। क्योंकि झालामान और माणा प्रताप की कदकाठी लगभग सिमिलर थी, तो उन्होंने माणा प्रताप का जो स्टैचू, माणा प्रताप का जो कवच होता है, ढाल होता है, और जो सर का ताज होता है, वो मेवाड़ वंश का जो ध्वज था, तो उन्होंने खुद दान कर लिया। माणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर भेज दिया और खुद मेवाड़ की तरफ से अगुवाई करते हुए युद्ध लड़े। और ऐसा बताया जाता है कि उसी युद्ध में वो मेवाड़ सेना की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए इतने गंभीर अवस्था में घायल हो चुके थे कि उन्होंने वहीं पर वीरगति को प्राप्त किया था। तो उसी समय से झालामान को मेवाड़ का एक महान अंग माना जाता है, महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने खुद का जीवन का बलिदान दिया और महाराणा प्रताप को जीवन का रक्षा थे तो खुद के प्राण त्याग दिए थे। तो ये वही उन्हीं का स्टैचू बना हुआ है मोती मंगरी के यहाँ पर। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।